Hey everyone, this is Anuj back again from Shimla. Welcome to our channel, guys. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि तबला पे हम जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनका क्या इफेक्ट है एंड उसे उन्हें सही कैसे करना है. ये मिस्टेक्स हम सब करते हैं, चाहे बिगिनर हो चाहे एडवांस स्टूडेंट हो. मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फिगर आउट की है जो कि हमारे प्लेइंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो इस वीडियो में बताऊँगा. तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्टार्टिंग से अंत तक वीडियो पूरी देखिएगा. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि हम कोई भी कॉम्पोजिशन प्ले कर रहे हैं तो उसके बोल जब हम तबले पे प्ले करते हैं तो हमारा कंसर्न होता है बोल प्ले करना. हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसकी एग्जैक्ट आवाज़ तबले से आ भी रही है कि नहीं आ रही है. बोल बने क्यों हैं? बोल इसलिए बने हैं बिकॉज वो जो कॉम्पोजिशन है वो हमने एग्जैक्ट आवाज़ यहाँ से निकालनी है. धा तिट तिन तिन ता तिट दिन दिन, अगर कहवे की ये कॉम्पोजिशन फॉर एग्जाम्पल हम अगर प्ले कर रहे हैं तो एग्जैक्ट साउंड आनी चाहिए. देखिए धा और धिन में हमें फर्क दिखाना है, वो पता चलना चाहिए कि अब धिन है अब धा है. ये चीज बहुत लोग गलती करते हैं. इसमें करना क्या है, हमें इसे फिक्स कैसे करना है कि बिल्कुल स्लो, एज मोर एज यू कैन. जितना आप स्लो प्ले करेंगे उतना ही आप हर बोल पे फोकस कर पाएंगे. अब अगर आप यही चीज फास्ट प्ले कर रहे हैं यहां पर तो आप एक एक बोल पे ध्यान नहीं दे पाएंगे. आप अपनी तरफ से बोल प्ले कर रहे हैं बट वो एग्जैक्ट साउंड तबले से नहीं आ रही है. इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर बोल पे ध्यान दें, बिल्कुल स्लोली प्ले कीजिए. तो ये सबसे पहली चीज़ थी. आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ. आगे बढ़ने से पहले गाइस बताना चाहूँगा, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा. बेल आइकन को प्रेस करने से फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख पाएंगे. गाइस हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कमेंट में बताइए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके डिजायर्ड पैटर्न है तो आप कमेंट में बताइए, डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनेगी. गाइज हमारा एक नया चैनल है अनुज लोधी व्लॉग्स के नाम से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनुज लोधी व्लॉग्स VLOGS. अगर आप सर्च करेंगे तो सिंपली आपको वो चैनल मिल जाएगा. प्लीज़ गाइज उसे अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए. उस पर हमने गिव अवे का एक कॉन्टेस्ट रखा है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है उस पर, आपको आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है. तो गाइज़ अभी हमारे उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं गाइज. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हम हैंड पोजिशनिंग की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बट हम ये जो हमारी आर्म है, हमारी एल्बो, इस चीज़ का हम इसकी मूवमेंट, इसकी पोजिशनिंग की तरफ ध्यान नहीं देते. बहुत सारे लोग मैंने देखा कुछ इस तरह से प्ले करते हैं जो कि गलत टेक्निक है. इससे आपकी आर्म में पेन हो सकती है, आपकी बैक, आपकी शोल्डर, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और प्लेइंग भी अच्छी नहीं होगी. तो कुछ इस तरह की हमारी ये एल्बोज की मूवमेंट रहती है, पोजिशन रहती है. देखिए नोटिस कीजिए, ये तो हो गई पोजिशन, इससे हमारी हैंड पोजिशन भी इफेक्ट करती है. एज वेल एज जब इसकी मूवमेंट की बात करें हम जब प्ले करते हैं तो इनकी मूवमेंट नोटिस कीजिएगा जो कि बहुत लोग नहीं करते. मेरी आप पहले भी बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे बट आपने हाथ देखे होंगे, आपने बोल देखे होंगे कैसे प्ले करना है बट इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया होगा, राइट. मैं मानता हूँ कि आप बहुत सारे लोग सही प्ले करते होंगे बट जो भी लोग ये इस चीज़ को, इसमें अगर प्रॉब्लम है आपको या कुछ तो देख लीजिए एक बार. मूवमेंट देखिए, तो ये देखिए ये चीज़ भी हल्की हल्की हिलती है, स्पेशली जब हम अंदर के बोल प्ले करते हैं त्रिकेट एंड ऑल, तो ये चीज़ ऊपर जाती है. ये बिल्कुल ढीला होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये हार्ड होगा या स्टिफनेस आएगी इस पर डेफिनेटली और प्रॉब्लम हो सकती है और प्लेइंग पे भी इफेक्ट करेगा. तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा. सेकेंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग हैंड पोजिशन सही भी रखें तब भी काफ़ी सारे लोग जो अपने पूरे हाथ का भार है वो तबला पे रखते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह से, जो कि सही चीज़ नहीं है. आपके बोल मैक्सिमम दब जाएंगे, राइट. तो आपको करना क्या है कि आपकी ये जो रिंग फिंगर है यही सिर्फ तबले के सरफेस पे रहेगी, बाकी पूरा हाथ ऐसे रहेगा. मैं समझाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. ये हाथ देखिए और ये हाथ देखिए, फ़र्क देखिए इस चीज़ को. ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो कुछ, बाकी हवा में हो, सिर्फ रिंग फिंगर हो सरफेस पे, और कुछ लोग ऐसे रखते हैं जो कि पूरा हाथ तबले पे है. आई गेस आप समझ गए. तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा. एक और गलती जो हम सब करते हैं वो रिंग फिंगर की प्लेसमेंट है. काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है शाही पे प्लेस करते हैं रिंग फिंगर. अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हम अगर रिंग फिंगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो पहली बात आवाज़ की जो रेजोनेंस है उसे हम दबा रहे हैं, मतलब कि ना ता, फ़र्क देखिए
रिंग फिंगर यहाँ पे शाही पे प्लेस करके मैं बजा रहा हूँ, और जहां होनी चाहिए वहां फर्क दिखेगा आपको आवाज में। एक ये ओपननेस उसकी बोल की, खुलापन जो है वो खत्म कर देता है। सेकंड चीज, इससे यहाँ पे हमें स्वेटिंग होती है, इसके कारण शाही भी हाथ में लगती है, शाही तबला डैमेज होता है अल्टीमेटली, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो रिंग फिंगर है या आपको ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे प्लेस करनी है कुछ इस तरह से, राइट। आगे एक और चीज़ मिस्टेक जो काफ़ी लोग करते हैं कि ये जो हाथ की प्लेसमेंट है ये कुछ लोग यहाँ कर देते हैं या कुछ लोग ज़्यादा वाइड कर देते हैं और कुछ ऐसे ऐसे प्ले करते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपली ये है कि आप तबले को आप एक वॉल क्लॉक की तरह लीजिए, ये हाफ, तो आपको सिंपली देखिए यहाँ आपके 6 है या 3 है, 12 है, 9 है, आपको ये 6 एंड 3 के बीच में प्ले करना है। तो बहुत इजी हो गया, 6 पे आप सिंपली ये रिंग फिंगर रखेंगे एंड ये यहाँ पे प्ले करेंगे। एक ये चीज़ होगी। बेस की बात करें, एक जो गलती हम काफ़ी लोग करते हैं, जो कि गलती नहीं बोल सकता मैं, एक्चुअली देखिए सबका सिखाने का अलग अलग तरीका होता है, मैं ये नहीं बोलता कि कोई गलत सिखाता है, स्पेशली तबले में अलग अलग जगह से सीखे हुए लोग, अलग अलग घराने से सीखे हुए लोग अलग अलग तरह से बजाते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि कोई गलत बजाता है कोई सही बजाता है, सबका अपना अपना तरीका है। मैटर ये करता है कि आपको सही और आसान कौन सा लग रहा है, आप वो वाला फॉलो कीजिए। काफ़ी सारे लोग तबले को इस तरह से रखते हैं, मतलब कि ज़्यादा वाला पोर्शन है ये अपनी तरफ और ये कम वाला पोर्शन है अपोजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है ये भी, बट जब आप प्ले करेंगे तो इसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे बेस की प्रॉपर आवाज़ निकालने के लिए। कंपैरेटिवली जो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि जो कम वाला पोर्शन है ये अपनी तरफ रखिए और ये जो ज़्यादा वाला पोर्शन है ये ऑपोजिट रखिए। अब आप प्ले करेंगे तो थोड़ा एफर्टलेसली प्ले होगा, इजीली बेस से आवाज़ निकलेगी। तो ये बिगिनर्स एज वेल एज एडवांस जिन्हें बेस में प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। एक और मिस्टेक जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है कि टिट पे भी अभी वही चीज़ है कि ये गलत कुछ नहीं है। काफ़ी सारे लोग प्ले करते हैं लोअर फिंगर पहले फिर इंडेक्स फिंगर, कोई कुछ गलत नहीं इसमें, डिपेंड ये करता है आपको आसान कौन सा लगता है, राइट। तो देखिए टिट ऐसे की जगह मतलब लोअर फिंगर पहले फिर इंडेक्स फिंगर, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने लोअर फिंगर पहले प्ले की फिर इंडेक्स फिंगर प्ले की, तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स फिंगर ऑलरेडी बिजी है, तो आपने नेक्स्ट बॉल प्ले करने के लिए इसे उठाना है फिर नेक्स्ट बॉल प्ले करना है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, ये आपको फास्ट जाने में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। कंपेरेटिवली अगर आप मेरा स्टाइल जो कि मैं बोलता हूँ इंडेक्स फिंगर पहले एंड देन लोअर फिंगर, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फास्ट प्ले करने में। रीजन बिहाइंड कि इंडेक्स फिंगर पहले लोअर फिंगर एंड ये नेक्स्ट बॉल प्ले करने के लिए ऑलरेडी हमारी इंडेक्स फिंगर फ्री है, तो हम फास्ट प्ले कर पाएंगे, जो हमारा टाइम वेस्ट है वो कम होगा, राइट। कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनकी रिंग फिंगर उठती है सरफेस से, मतलब कि हम बजा रहे हैं अगर, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है रिंग फिंगर उठ गई, इसमें भी बता रहा हूँ कुछ गलत नहीं है ये, बट साउंड में इफेक्ट जरूर डालता है, मतलब ये अगर हम नाता बजा रहे हैं और अगर रिंग फिंगर उठा के बजाएं तो आवाज़ बदल गई, वो नाता की आवाज़ नहीं है। सिमिलरली और बोल्स को भी ये चीज़ इफेक्ट करती है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि रिंग फिंगर ना उठे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को आप खुद देख रहे होंगे कि आपको भी ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आई होगी। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि रिंग फिंगर वहीं पे प्लेस कीजिए और ये जो मिडल फिंगर है इसको नीचे लाइए। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये। ती बोल यूजुअली हम प्ले करते हैं तो इसको नीचे लाइए तो ये चीज़ नहीं उठेगी फॉर श्योर। कुछ इस तरह से। अब ये फिंगर है ये बहुत वीक फिंगर होती है स्पेशली तबला प्लेइंग में, राइट, क्योंकि इस पे बिल्कुल भी हम स्ट्रेस नहीं डाल सकते, राइट। तो इसको तैयार करने के लिए आप धाती धाती वाले कोई भी कॉम्पोजिशन ले लीजिए, हाँ, और उसको प्रैक्टिस कीजिए, हाँ, तो वो आपको रिंग फिंगर को अच्छा बनाएगी, मिडल फिंगर को अच्छा बनाएगी। मिडल फिंगर यूज़ करोगे तो आपके रिंग फिंगर कम उठेगी या उठेगी ही नहीं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आगे जो कि मैंने लोगों को गलती करते देखा है, मैं फॉर एग्जांपल कोई वीडियो में आपको कुछ कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ या और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पे सिखाते हैं ढोलक तबला एंड ऑल, तो हमें उनकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन फॉलो नहीं करनी है अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, राइट। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉम्पोजिशन आपको सिखा रहा हूँ वीडियो में, धा तिट ता ता गेना, ता तिट ता ता गेना।
अब आपको अगर ये कॉम्पोजिशन में कहीं पे किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, राइट, तो आपने उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, राइट। ये चीज हम क्या सोचते हैं कि जो एग्जैक्ट है हमें वो प्ले करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बजाइए। मतलब कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ टिट इंडेक्स फिंगर पहले फिर लोअर बजाना है, कुछ लोग ऐसे बजाते हैं, तो अगर आप ऐसे कंफर्टेबल है तो आप ऐसे बजाइए। मैंने रीज़न बता दिया कि अगर आप इंडेक्स फिंगर पहले बजाएंगे तो आपको फास्ट प्ले करने में आसानी रहेगी, रीज़न भी बता दिया, वैलिड रीज़न बताया उसके पीछे, बट स्टिल अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप उसमें बजाइए। सिमिलरली जो कॉम्पोजिशंस हैं, कॉम्पोजिशंस बेसिक ठेके से तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट जो और कॉम्पोजिशंस हैं उनमें अगर फॉर एग्जांपल आपको टिट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किट बजाइए उसकी जगह। फॉर एग्जांपल यही कॉम्पोजिशन ले लीजिए, धा तिट ता ता गे ना ता तिट ता ता के ना। अगर आपको तिट में प्रॉब्लम आ रही है बजाने में तो आप किट बजाइए, मतलब कि धा किट ता ता गे ना ता किट ता ता के ना, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी गाइस जो हम सब करते हैं, बट हम कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देंगे तो बहुत आपको हेल्प करेगी। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम पड़े तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।